लोकसभा अध्यक्ष के ओम बिरला ने एक ट्वीट सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। बिरला ने ब्राह्मणों के बारे में लिखा है कि उनका समाज में हमेशा से उच्च स्थान रहा है। इस बात को लेकर उनकी लगातार आलोचना हो रही है। लोगों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि उनके संवैधानिक पद पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल दो दिन पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण सभा के एक कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, समाज में ब्राह्मणों का हमेशा से उच्च स्थान रहा है। यह स्थान उनकी त्याग तपस्या का परिणाम है। यही वजह है कि ब्राह्मण समाज हमेशा से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। ब्राह्मणों को लेकर किए गए इस ट्वीट पर कमेंट की बारिश हो गई। ये ट्वीट जैसे जैसे वायरल होता गया, लोगों का अपना गुस्सा जाहिर करते रहे। ब्राह्मण समाज को समाज का मार्गदर्शक बताने पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा कि नथुराम गोडसे भी ब्राह्मण ही था। वहीं दिलीप मंडल ने अपने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा कि रैदास बाभन मत पूजिए जो हावे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। लोकसभा के अध्यक्ष के बयान पर बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सदस्य वीर सिंह ने कहा कि जाति के आधार पर कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, उसका कर्म उसे श्रेष्ठ बनाता है। ब्राह्मण को जन्म के आधार पर समाज का मार्गदर्शक नहीं बताया जा सकता। साक्षी जोशी ने भी अपने ट्विटर पे ट्वीट करके कहा, अगर ऐसा है तो जड़ा आपका मार्गदर्शक कर दूं सर, ऊंच स्थान रहा नहीं, ब्राह्मणों ने खुद ही रख लिया और आप लोकसभा स्पीकर हैं, संविधान की शपथ लेकर पहुंचे हैं, कम से कम आपको ऐसा मनवादी ट्वीट करना शोभा नहीं देता, अनुच्छेद 14 तो आपने पढ़ा ही होगा। इसी के साथ साथ समाज सेविका नीलम गौतम ने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों दो दिन पहले 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री हरि ओम बिरला जी ब्राह्मण समाज की एक जनसभा में जाते हैं और सभा को संबोधित करते हैं और उसके बाद एक ट्वीट करते हैं कि इस भारत देश में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा रहा है और उनके त्याग समर्पण बलिदान के कारण इस भारत देश के लोगों को मार्गदर्शन मिला है और ज़रूरत है आज सभी को उनसे मार्गदर्शन लेने की। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप एक संवैधानिक पद पर आसीन होते हुए इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। शायद बिरला जी आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर बिरला जी आप इतिहास पढ़ते तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप बीजेपी और आरएसएस के तलवे चाटने का काम नहीं करते, क्योंकि जो आपकी स्टेटमेंट आई है उससे साफ साफ परिलक्षित होता है कि आपकी जो संकुचित सोच है पर्टिकुलर एक विशेष जाति वर्ग को लेकर, आज वो कितनी बुरी तरह से आपके अंदर घर करी गई है। और आप बात कर रहे हैं उनके त्याग समर्पण बलिदान की, मैं आपको बता दूं अगर इस भारत देश में बीजेपी और आरएसएस जब देखो एक ही गीत अलापने का काम करते हैं कि मुसलमानों ने हिंदू के मंदिरों को तोड़ने का काम किया और इन्हीं बातों के माध्यम से वो देश में हमेशा लड़ाई झगड़ा करवाते रहते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपने जरा सा भी इतिहास पढ़ा है, इस देश की जो सबसे विराट और सबसे मजबूत धरोहर और संस्कृति जो कही जाती है बौद्ध धर्म, उसको मिटाने का काम किसने किया? उसको मिटाने का काम बीजेपी और आरएसएस ने किया और आज भी लगातार उस काम को करती आ रही है। तो इसलिए आप मुझे या इस देश को ये बताने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें कि इस भारत देश में सबसे ऊंचा स्थान किसका है। अगर आप त्याग समर्पण बलिदान की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, जिस मंच पर आप आज खड़े होकर बोल रहे थे, अगर परम पूज्य बाबा साहब संविधान में आपको अपनी बात रखने की आज़ादी नहीं देते तो आपको अच्छे से पता होगा, और मैं बता भी देती हूं कि इतिहास में ब्राह्मणों के सामने आप लोगों को मुँह खोलने तक की आज़ादी नहीं थी, आपकी जीवा को काट दिया जाता। लेकिन आज आप इतने निष्पक्ष रूप से अपनी बात रख पा रहे हैं तो ये परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के कारण और उसमें जो अभिव्यक्ति आज़ादी की अभिव्यक्ति का अधिकार बाबा साहब ने दिया उसके कारण बोल पा रहे हैं। उनका त्याग शायद आपको त्याग नहीं दिखा। आपको जानकारी के लिए मैं बताऊंगी कि परम पूज्य बाबा साहब ने अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी, परम पूज्य बाबा साहब ने अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी, अपने सभी भौतिक संसाधनों की कुर्बानी दी, और आप आज हमें किसका त्याग और बलिदान बता रहे हैं? जो लोग इस देश की धरोहर, इस देश के इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं, शायद आप बहुत नादान हैं। और इतनी नादानी में आपने इतना बचकाना जो बयान दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करती हूँ।